YouTube चैनल पर, और जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक नोटिफिकेशन है जो कि अभी अभी जस्ट रिसेंटली SSC ने पब्लिश किया है। एंड इस नोटिफिकेशन में SSC ने कहा है कि जो कुल मिला के उन्होंने बताया है कि समरी बताया है, 4 से 13 तक उन्होंने एग्जाम कराया 7 दिनों तक, और जिसमें ऐसा ऐसा रहा कितने लोगों ने पेपर अटेम्प्ट किया, कितने लोग इसमें आए, टोटल रजिस्टर हुए थे 25 यानी करीब करीब 26 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, लेकिन जो पेपर देने गए हैं वो 8 से 10 लाख, जैसा कि मैं कह रहा था पहले से ही, 8.37 लाख लोग पेपर देने गए, यानी कि जो परसेंटेज था वो अटेंडेंस का शुरुआती 3 दिनों में 33% था, वो गिर के और कम हो गया, 33.23% हो गया है। उसके बाद जो नंबर ऑफ शिफ्ट की बात करें, कितनी शिफ्ट में एग्जाम कराया गया, तो टोटल 21 शिफ्ट में एग्जाम कराया गया, और अभी 19 तारीख को फिर से कुछ लोगों का एग्जाम है जिनका कैंसिल हो गया था, जिनके वेन्यूज पे कुछ दिक्कत आई थी। वेन्यूज थे टोटल 362, सिटीज थी टोटल 131, और यहाँ पर आपके स्टेट आपके जो करवाए गए टोटल 33, यानी कि मतलब कुल मिला के सभी राज्यों में एग्जाम कंडक्ट कराया गया। और इन्होंने एक जो थोड़ी सी शॉकिंग चीज हमारे लिए यहाँ पर छोड़ी है वो ये है कि टेंटेटिव डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो इन्होंने दी है वो 20 सितंबर दी है, जो जबकि पहले की अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो ये कह रहे थे कि 2018 का जो टीयर 2 है 11 सितंबर से 13 सितंबर के बीच में करवा लेंगे। तो इनका पहले कहना था कि 11 से 13 सितंबर के बीच में हम मेंस करा लेंगे, लेकिन अगर अब ये कह रहे हैं कि 20 सितंबर को तो ये रिजल्ट जारी करेंगे, तो हम ये यहां से इन्फर कर सकते हैं कि जो एग्जाम है वो आपका अक्टूबर से पहले नहीं होने जा रहा है। तो अगर ये सच है, देखिए ये नोटिफिकेशन तो बिल्कुल ऑफिशियल है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो अगर मैं कह रहा हूँ ना कि ये सच है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि SSC ने गलतियां करी हैं, SSC ने पास्ट में मतलब कुछ जारी किया और बाद में फिर वो करेक्ट करके कोरिगेंडम जारी करके फिर से कहते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा दुविधा बनी हुई है हमारे पास कि ये क्या ये सही है। वैसे जो कहा है, अगर ये इन्होंने 20 सितंबर को ही रिजल्ट जारी कर रहे हैं तो ये ऑफिशियल है, और अगर ये गलत होता है तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, SSC वाले ही जब हमारे साथ ऐसा गलत न्यूज़ हमें सामने पोस्ट करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई हम आपको वही गलत इन्फॉर्मेशन ही हमको आप तक पहुंचेगी, बट अगर फिलहाल तो ये ऑफिशियल है, SSC की वेबसाइट पर है, आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि क्या SSC की वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है। तो यानी कि अगर 20 सितंबर को रिजल्ट आता है तो एग्जाम जो है वो अक्टूबर से पहले नहीं होगा, और वही बात जो SSC की जो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, एक नॉर्मल आदत है कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, तो वो यहाँ पर भी आते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं कि SSC कुछ सुधर रही है या अपनी हरकतों की जो पोस्टपोनमेंट की जो इनकी आदत थी उसमें कुछ भी आपका बेहतरी मुझे नहीं लग रहा है। अक्टूबर में अगर एग्जाम कराते हैं तो अक्टूबर नवंबर तक भी करवा लेते हैं तो ठीक है। तो फिलहाल आपका जो ये रिजल्ट जो इन्होंने स्कीम को ऑफ शेड्यूल ऑफ स्कीम दिया था वो आपका इन्होंने सितंबर का दिया था, वो मुझे गलत लग रहा है, अब मुझे लग रहा है कि एग्जाम अक्टूबर में होगा। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, और अब आपको देखिए करना क्या चाहिए, थोड़ा सा आपको इंतजार करना चाहिए, ज्यादा पैनिक मत होइए, ज्यादा इधर उधर परेशान मत होइए, थोड़ा वेट करिए कि एग्जामिनेशन कैलेंडर, यानी कि इन्होंने ये अलग से तो नोटिफिकेशन है जारी कर दिया है, तो अभी अगर ऐसा होगा तो ये एग्जामिनेशन कैलेंडर को भी अपडेट करेंगे, और जैसे ही इस अपडेट को करेंगे हम आपको बता देंगे, जब भी अपडेशन होगा आप फेसबुक वगैरह पे फॉलो कर लीजिएगा, तो ये अपडेशन अगर होता है तो उसमें भी आपको लिख के दे देंगे कि कब एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। और अगर मान लीजिए अब यहाँ पर इन्होंने फाइनली ये लिख कर दे ही देते हैं कि एग्जाम भी आपका कब कंडक्ट कराया जाएगा, तो फिर तो यहाँ पर बात कन्फर्म हो जाएगी कि हमारी एग्जाम जो है सितंबर में नहीं हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें इंतजार कर लेना चाहिए इससे पहले कि हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचे, लेकिन हाँ ये बात सच है कि ये 20 सितंबर को रिजल्ट निकालने को कह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब सितंबर में आपका टीयर 2 होगा, ठीक है। सो यू शुड वेट फॉर सम टाइम। नाउ लेट्स गेट बैक टू अ पॉइंट जिसके लिए हम इस वीडियो में आने वाले थे, मैं आने वाला था और उससे पहले मैं ये इन्फॉर्मेशन आ गई तो मैंने कहा ये भी इसी वीडियो में मैं दे दूंगा। सो टुडे वी आर टू डिस्कस टीयर 1 की कट ऑफ एनालिसिस, मैं आपको साथ करने वाला हूँ कि क्या कट ऑफ रहेगी और क्या नहीं रहेगी, ठीक है। मैं हूँ अमन त्रिवेदी, मैंने ऑडिटर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हूँ, मैंने CGL 2016 का एग्जाम निकाला हुआ है, ठीक है। तो बात करते हैं कि क्या कुछ कट ऑफ एनालिसिस रहेगी और कैसे रहेगी। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ अनअकैडमी प्लस के बारे में। देखिए अगर आपने अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पर आपको क्वांट, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और सारे कोर्सेज आपको मिलते हैं बाय द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया। दीज आर द एजुकेटर्स जो आपको पढ़ाते हैं, पवन राव सर, अभिनय सर भी वहां पे पढ़ा रहे हैं, तो आप सभी के कोर्सेज देख सकते हैं। आपको करना क्या होगा, आपको अनअकैडमी प्लस पर जाना होगा, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना होगा, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन चूज कर लीजिए क्योंकि वो सबसे ज्यादा सस्ता है, जिसकी कॉस्ट 375 रुपीज पर मंथ पड़ती है। कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद अपना मेरा रेफरल कोड लगाएंगे अमन त्रिवेदी, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये जो कॉस्ट 5000 रुपीज दिख रही है, ये आपको सिर्फ 4500 रुपीज में सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। मेरे कोर्सेज जो आपके टीयर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये दोनों कोर्सेज मेरे टीयर 2 के लिए हैं। अगर आप इन दोनों ही कोर्स अगर आप तैयारी करना शुरू कर चुके हो तो आप इन दोनों कोर्सेज में एनरोल कर लो।
इस कोर्स में मैं आपको वर्बल एबिलिटी यानी कि आरसी, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट, आपका वोकैब, ये सब इसमें सिखाऊंगा। इसके अलावा इस कोर्स में मैं आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कवर कराऊंगा। तो इन दोनों ही कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए, आपको कोई अलग अलग कॉस्ट नहीं देनी, आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे आप इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस सबके कोर्सेज देख पाएंगे, फिर वो चाहे मेरे हों या किसी अदर एजुकेटर के हों। तो दिस वॉज अबाउट अनअकैडमी प्लस, नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक। तो जैसे कि देखो फिलहाल हम छोटा सा इन आंकड़ों पे भी नजर डाल लेते हैं कि यहाँ कह रहे हैं कि जो टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं वो कितने थे और 8.37 लाख लोगों ने पेपर दिया है। तो देखिए यहाँ से कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि सर इसका मतलब ये हुआ कि इस साल सबसे कंपटीशन सबसे कम है, क्योंकि देखिए आपको मैं 2016 का दिखाता हूँ, 2016 का राइटअप है जिसमें इन्होंने कहा है कि अपियर हुए थे 14.82 लाख, और इसके बाद में आपको 2017 का अगर दिखाऊं तो 2017 का ये है जिसमें इन्होंने कहा था 15 लाख, यानी कि 2017 में लोगों ने एग्जाम दिया था 15 लाख, 2016 में दिया था करीब 14 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था, और यहाँ पर एग्जाम जो दिया है वो थोड़ा सा कम लोगों ने दिया है, 8.3 लाख लोगों ने दिया है। लेकिन अब क्या इस आंकड़े का टोटल कट ऑफ पर कोई फर्क पड़ता है, क्या इस आंकड़े का क्या पूरी की पूरी कॉम्पिटिशन पे कोई फर्क पड़ता है? तो देखिए इसका जो मेरा जवाब है, जो मेरा इंटरप्रिटेशन है वो है नो, अ बिग नो। क्योंकि देखिए जो एक सीरियस कैंडिडेट है वो एग्जाम देने जाएगा ही जाएगा, चाहे कभी भी एग्जाम हो। अब आप लोगों ने अगर टीयर वन दिया है तो आप टीयर टू देने जाओगे ही जाओगे, अगर आपका क्लियर होता है तो आप उसमें से नहीं छोड़ोगे उसको इस काम एग्जाम को, क्योंकि आप लोग उसके लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो। बाकी जो कैंडिडेट सीरियस नहीं होता है वो एग्जाम छोड़ता है। तो ये जो 8-9 लाख लोग के करीब पेपर छोड़ दिए हैं वो लोग हैं जो शायद इस एग्जाम के लिए कभी तैयार थे ही नहीं। तो इस एग्जाम के लिए जो तैयार थे वो पेपर देकर आए ही हैं, और टॉप के 2 लाख लोगों में ही कंपटीशन बच्चा होता है, बाकी के 6 लाख लोगों में कंपटीशन ही नहीं होता है। कंपटीशन सिर्फ टॉप 2 लाख लोगों में होता है। इसलिए इन आंकड़ों का कोई कट ऑफ पर मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जैसा कि कुछ लोगों का क्लेम है। अब थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं कट ऑफ पे। तो देखिए आप अगर देखो कि 2016 में उन्होंने करीब कट ऑफ गई थी 137 यूआर की, और जो आपकी कट ऑफ गई थी 2017 में अगर हम बात करें तो 17 में उन्होंने करीब 1.5 लाख लोगों को क्वालिफाई कराया था, जब ये पहली बार कट ऑफ जारी हुई थी तब 131 इन्होंने निकाली थी, और उसके बाद इन्होंने फिर से कट ऑफ निकाली 2017 की। तो 2017 की जब इन्होंने दोबारा से कट ऑफ निकाली तब इन्होंने कहा कि 126 इन्होंने कट ऑफ जारी करी थी जनरल की। वेयर इज इट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट इफ आई गेट इट, एक सेकेंड रुकिएगा। ऑलराइट, ये थी देखिए। हाँ, तो जब उन्होंने दोबारा ये रिवाइज एक बार पहले रिजल्ट जारी हुआ, उसके बाद इन्होंने रिवाइज किया था। तो जब रिवाइज किया तो 126.50 जारी किया, और तब इन्होंने 1,89,000 लोगों को टीयर टू के लिए बुलाया। लेकिन जब पहले इन्होंने जारी किया था जिसको इन्होंने कैंसिल कर दिया था, मतलब जिस कट ऑफ को इन्होंने नल एंड वॉइड करा था, तब इन्होंने 1.5 लाख लोग बुलाए थे। और हम अगर बात करें 2016 में कितने लोग इन्होंने पेपर देने के लिए बुलाए थे, तो 2016 में भी इन्होंने करीब 1.5 लाख के आसपास ही टोटल लोग बुलाए थे, इन आंकड़ों में हमने देखा है। ठीक है, तो टोटल 1.5 लाख के आसपास लोग 2016 में भी इन्होंने बुलाए, और 2 लाख के आसपास 2017 में बुलाए, इसलिए कट ऑफ कम हुई थी। 2017 में कट ऑफ इसलिए कम नहीं हुई थी क्योंकि वहां पर लोग कम थे, इसलिए नहीं थी कट कम हुई थी क्योंकि पेपर टफ था। कट ऑफ इसलिए कम चली गई, ये जो 126 आपको दिख रही है, ये 126 इसीलिए दिख रही है क्योंकि 1,89,000 लोग हैं, और जब 2016 की बात है तो यहाँ पर 1,49,000 लोग थे। तो 1.5 लाख लोग हर बार बुलाते हैं, वैसे वो जब 1.5 लाख लोग बुलाते हैं तो कट ऑफ 137 के आसपास ही रह रही है 2016 से। 15 की बात नहीं करेंगे क्योंकि 15 तो बहुत पुराना हो गया, उसका केस हमारे आसपास कोई बैठता भी नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया है ओवरऑल कि आपके जो लोग कॉल किए जाएंगे वो करीब 1.5 लाख से 2 लाख के आसपास लोग कॉल किए जाएंगे टीयर टू के लिए एसएससी के द्वारा। अब ये जो 1.5 लाख से 2 लाख के लोग बीच लोग होंगे, इनको कितने नंबर आपके आने चाहिए? मेरा ऐसा इंटरप्रिटेशन है कि देखिए मैंने ऐसा माना कि पेपर लेवल जो मैंने देखा कि बच्चों के अटेम्प्ट्स वगैरह जो मुझे मिले वेरियस सोर्सेज से, तो सभी का कहना ये था कि देखो 4 से 7 जून का सर जो पेपर था वो था मॉडरेट टू डिफिकल्ट, यहां पर हमारा जो एवरेज अटेम्प्ट था वो थोड़ा सा कम था। लेकिन 10 से 13 जून की बात करें तो 10 से 13 जून की बात करेंगे तो यहां पर पेपर जो था वो थोड़ा इजी टू मॉडरेट था। तो पेपर लेवल में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। 4 से 7 जून वाले पेपर में आपको मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही थी,
10 से 13 जून वाले में इजी टू मॉडरेट है, बहुत ज्यादा आसान यहाँ पे भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जीएस का लेवल अप कर दिया था, मैथ्स का लेवल थोड़ा डाउन किया था, लेकिन उतना नहीं डाउन हो पाया जितना उतना आप नहीं किया था जीएस का कि मतलब बहुत डिफिकल्टी हो जाए। तो मेरा ऐसा इंटरप्रिटेशन है, कहता है कि 2016 और 17 के अगर हम कट ऑफ को देखें तो 16 में जो आपकी कट ऑफ थी वो थी आपकी 137, ठीक है, और यूआर की, और 2017 में थी 126.50। क्यों थी वो मैंने आपको बताया, यहां पर करीब 1.9 लाख लोग कॉल किए गए थे, यहां पर 1.5 लाख किए गए थे। ओबीसी की थी 125, यहां पर 110 थी, 114 थी, यहां 198 थी, यहां 103 थी, तो यहां 88.50 थी। तो देखिए, चूंकि अब आपको नॉर्मलाइजेशन, अब आपके पेपर में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, तो देखो यार नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाएगा, क्या किया जाएगा, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूँ सीपीओ से रिलेटेड, तो वो आई बटन में मैं डाल दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, क्या होता है, और ज्यादातर लोगों ने वो वीडियो देख रखी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 2018 के पेपर को हम दो भागों में बांट सकते हैं, कि 4 से 7 जून का अलग बांट लो और 10 से 13 जून के पेपर को अलग बांट लो। दोनों ही जब अलग अलग आप बांटोगे, तो मेरा ऐसा कहना है कि यूआर की जो कट ऑफ है वो 120 से 125 के आसपास रहने वाली है। ये कट ऑफ नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूं एक तरीके से सेफ स्कोर, ये कट ऑफ नहीं है। कट ऑफ तो देखो नॉर्मलाइज स्कोर के बाद आएगी, लेकिन आप में से जिन लोगों का पेपर 4 से 7 जून के आसपास था, अगर आपके नंबर 120 से 125 के बीच में आए हैं, यहां पर आप थोड़ा प्लस माइनस 5 कर सकते हो, बस इससे ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा का स्कोप नहीं है। 120 से 125 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो आप तैयारी शुरू कीजिए, और अगर 130 से 135 के बीच, अगर आपने 10 से 13 के बीच दिया है, तब आपने अगर इतना स्कोर आ रहा है तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। सिमिलरली ओबीसी के बीच में आइए, 105 से 110 है यहां पर मेरे हिसाब से कट ऑफ, और जनरल 10 से 13 वालों में 110 से 115 रहेगा, बाकी का भी मैंने मेंशन कर दिया है। तो वो लोग इस तरीके से देख लें कि अगर आपका स्कोर इन स्कोर्स के बीच में लाए करता है तो आप यू आर गुड टू गो फॉर टीयर टू, आपका टीयर टू क्लियर हो जाएगा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। कहने का मतलब है यहां जिन बच्चों के 120 आ रहे हैं और यहां 130 आ रहे हैं, वो ऑलमोस्ट बराबर कर दिए जाएंगे स्कोर, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन है। तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से आपको कोई लॉस नहीं हुआ है, चाहे आप यहां आए हो चाहे यहां बैठे हो, दोनों ही पेपर में बराबर हुआ है, और दूसरे का पेपर सबको आसान लगता है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि 4 से 7 जून के बीच में अगर आपका पेपर है तो आपका स्कोर होना चाहिए 120 से 125, और अगर आपका पेपर 10 से 13 जून के बीच में है तो आपका स्कोर होना चाहिए 130 से 135, मेरा ऐसा मानना है। अब अगर बात करें कि आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए आपको टीयर टू की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, डजेंट मैटर आपका स्कोर, अगर आप मेरी इस कट ऑफ में बिलीव करते हो तो भी, और नहीं करते हो तो भी, आपका जो कुछ भी स्कोर आ रहा हो, अगर आपका बच्चा 90 नंबर भी आ रहा है ना, तो आप टीयर टू की तैयारी शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि ये आपको किसी भी तरीके से चोट नहीं पहुंचाएगा, ये आपको किसी भी तरीके से हार्मफुल नहीं है, आपको किसी भी तरीके से हार्म नहीं करेगा, और जब ये हार्म नहीं कर रहा है तो आपको पढ़ने में क्या दिक्कत है? आपको मैथ्स ही तो पढ़ना है, आपको इंग्लिश ही तो पढ़ना है, अगर आप एनटीपीसी के लिए भी जा रहे हैं तब भी आपको मैथ्स पढ़ना है, आप टीयर टू के लिए जा रहे हैं तब भी मैथ्स पढ़ना है, तो मैथ्स तो दोनों ही केसेस में पढ़ना है, बस आपको इंग्लिश थोड़ी ज्यादा पढ़नी पड़ेगी। तो उसके लिए यार अगर आप जॉबलेस हो तो दिन में आपके पास 24 घंटे हैं, 2-3 घंटे अगर इंग्लिश को दे दोगे तो कोई नुकसान नहीं कर जाएगा, बदहजमी नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए तैयारी शुरू कर दो, डजेंट मैटर आप क्लियर करने के इसमें रेंज में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, ठीक है, बस बहुत दिल पे मत लेना, नहीं तो बाद में दिल ना टूटे बस, ठीक है। अब बात करें कि तैयारी शुरू कैसे करनी है, तो बच्चा देखो मैं आपके लिए यहाँ पर वीडियोस बना दूंगा कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मैथ्स की क्या होनी चाहिए, इंग्लिश की क्या होनी चाहिए, आगे की वह सारी चीजें मैं आपको बना दूंगा, लेकिन उससे पहले आप अपने आप खुद भी काम करो, हमारी स्ट्रेटजी जानने से पहले आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाओ, एक प्लान बनाओ और उस पर चिपक जाओ, उस पर स्टिक टू हो जाओ, एक प्लान बनाओ, एक स्ट्रेटजी बनाओ, और फिर जब मेरे स्ट्रेटजी वीडियोस आए अगले 1-2 दिन में, मैं ला दूंगा मैथ्स और इंग्लिश की अलग अलग स्ट्रेटजी, तो उनमें वीडियोस देखकर ये देखो कि कहां पर आपको कमी लग रही है, कहां पर आपको सही लग रहा है, तो उस स्ट्रेटजाइज करो, प्लान बनाओ, और जब मेरी स्ट्रेटजी वीडियोस देख लेना, तो अगर लगे कि सर मुझे कोई दिक्कत है तो aman.ssc.mentor@gmail.com पर मुझे मेल कर देना, मैं मेल पर ही जवाब दे दूंगा, अगर मैं मेल पर जवाब नहीं दूंगा तो अगर ज्यादा मेल आ जाएंगी तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के आपके एक एक मेल का जवाब मैं दे दूंगा, ठीक है। तो स्ट्रेटजाइज करो और प्लान बनाओ और उस पर स्टिक हो जाओ, ठीक। उसके अलावा एक शेड्यूल बनाओ दिन में कि कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, इन सभी चीजों का एक प्लान बनाओ और उससे आप अपने आगे की स्ट्रेटजी करो। तो मेरा कट ऑफ का एनालिसिस ये कहता है कि 4 से 7 जून के पेपर हुआ है तो 120 से 125 फॉर जनरल, और 10 से 13 के बीच हुआ है तो 130 से 135 आपका स्कोर है, तो आप तैयारी शुरू कर सकते हो।
इसके बाद करें बात करता हूँ मेरे क्या प्लान्स हैं, मैं आप लोगों के लिए क्या करने वाला हूँ। तो देखिए मैं कंप्लीट वोकैब सीरीज, जिसे वोकैब वोकल लिख दिया गलत है, वोकैब की पूरी सीरीज मैं नॉर्मन लुईस पर आपके लिए बनाने वाला हूँ। नॉर्मन लुईस की पूरी वोकैब सीरीज मैं आपके लिए इस चैनल पर बना दूंगा। इसके अलावा पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट, एक्टिव पैसिव और नरेशन, इनके मैं प्रैक्टिस सेशन इस चैनल पर करने की करूंगा आप सभी लोगों के साथ में, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट, एक्टिव पैसिव और नरेशन के। क्योंकि ये अगर हम चार चैप्टर्स को मिला लें तो करीब आपका 100 नंबर का पेपर इन्हीं चार सेक्टर से चैप्टर्स से आ जाता है। इसलिए ये चारों ही चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो टीयर टू के लिए इनकी प्रैक्टिस हम लोग इस चैनल पर करेंगे, या फिर इनको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं विद द प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशंस। तो उसके लिए मुझे चाहिए आप लोगों के सजेशंस। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को क्या चाहिए, कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताइएगा कि आप लोगों को इनके सेपरेट सेशन चाहिए या फिर हम प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस कर लें। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना व्हाट डू यू एक्चुअली वांट, मैं उसी हिसाब से आगे की प्लानिंग आपकी कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा मेरी कोशिश रहेगी कि मैं क्वांट पे एक प्रैक्टिस सीरीज ला पाऊं जिसमें हम क्वांट के क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम सर्वेश वर्मा बुक। तो अगर आपको पसंद आएगा, तो अगर आप लोगों के सजेशंस हो, आप लोगों को लगे कि ये सारी चीजें सही हैं, तो जस्ट गिव इट अ थम्स अप टू द वीडियो और कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि इनमें से क्या क्या चीजें आपको चाहिए, क्या नहीं चाहिए और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है मुझसे, तो आप उन सारी चीजों का मुझे यहाँ बता सकते हो। इसके अलावा अगर आपको इंग्लिश के मुझसे कंप्लीट कोर्सेज पढ़ने हैं जिसमें आप बिल्कुल ए टू जेड पढ़ना चाहते हो, तो आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके लिए मेरे ये दो कोर्सेज चल रहे हैं, वर्बल एबिलिटी का है, एक इंग्लिश का है, एक ग्रामर है, एक में पैरा जंबल, आरसी वोकैब वगैरह है। इसके लिए आपको अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करना होगा और आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं अमन त्रिवेदी, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये तो तब की बात होगी, बाकी मैंने आपको बताया इस चैनल पर आपको मैं फ्री में भी क्या देने वाला हूँ। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, कोई इसमें कोई पैसा नहीं होगा इन सभी चीजों का, और इनका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और उसके लिए आप अगर नहीं आपको मिलता है तो आप सिर्फ टेलीग्राम पर जाकर सर्च करो @AmanTrivedi, तो आपको मिल जाएगा। वहां से आप उस चैनल को ज्वाइन कर लो और इस सारे जितने भी हमारे सेशन होंगे उनकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आपको ये सारी चीजें पसंद आए तो प्लीज मुझे बताइए कि आपको ये सब कुछ अगर सही लगा, और आपको कट ऑफ के बारे में आपका क्या आइडिया है, आप अगर मुझसे कितना अलग सोचते हो, मैं कहाँ पे गलत हो सकता हूँ, उन सभी बातों के लिए आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, तो आपके सुझाव आमंत्रित हैं। इसके अलावा जो अभी की बड़ी न्यूज़ थी वो ये थी कि फिलहाल SSC ने ये नोटिस जारी किया है, और इस नोटिस के हिसाब से SSC ये कह रही है कि 20 सितंबर को रिजल्ट जारी करेंगे टीयर टू का। और अगर ये 20 सितंबर को टीयर टू का रिजल्ट जारी करेंगे तो ऐसी कहीं से संभावना नहीं है कि टीयर टू सितंबर में हो जाए, तो मेरा मानना है कि अक्टूबर में आपका इस तरह हो सकता है बहुत अगर जल्दी कराया, नहीं तो ये नवंबर दिसंबर तक जाएगा आपका टीयर टू, ठीक है। तो चलिए आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ वेरी गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।